तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको दराज डॉट पीके पे मिलने वाले चीपेस्ट वायरलेस हैंड फ्री के बारे में बताने वाला हूँ कि दराज डॉट पीके पे ये हैंड फ्री जो है चीपेस्ट वायरलेस हैंड फ्री है जो कि आप बाय कर सकते हैं दराज डॉट पीके से। ये 300 रुपीज़ की प्राइस रेंज में आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या ये हैंड फ्री को बाय करना वर्थ इट है या कि नहीं है। आप इस हैंड फ्री को बाय करते हैं तो आपको क्वालिटी किस तरह की मिलेगी, बिल्ड क्वालिटी कैसी मिलेगी या साउंड क्वालिटी किस तरह से आपको इसमें मिलेगी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है साथ, आप देख रहे हैं चैनल टेक्नो साथ। चलिए देखते हैं सब इस इंट्रो के बाद। तो वीडियो की क्वांटिटी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि अब से जो है वीडियो रेगुलर तो नहीं आएंगी लेकिन वीक में 2 वीडियोस तो डेफिनेटली आएंगी। वीक में 2 वीडियोस और क्वालिटी वाली वीडियोज़ आएंगी, ये नहीं कि बस किसी भी तरीके से शूट करके डाल दिया। आपको क्वालिटी वाली वीडियोज़ मिलेंगी, वीक में 2 वीडियोज़ क्वालिटी के साथ आपको मिलेंगी देखने को। तो यही बस मुझे बताना था, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इस हैंड फ्री का बॉक्स, आप देख सकते हैं सामने की तरफ सैमसंग लिखा गया है। हैंड फ्री के जो है लोग यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह की हैंड फ्री पिक्चर्स में दिखाया गया है। परफॉर्मेंस, एक्सरसाइज विद फ्रीडम, कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल द वायरलेस एनेबल्ड डिवाइसेस, और यहाँ पे लिखा गया है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, अप टू 3 आवर्स का टॉक टाइम, उसके बाद अबाउट 3 आवर्स इन यूज, 100 आवर्स स्टैंड बाय, वॉइस डायल एंड रीडायल, और यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स हेडफोन, एर्गोनॉमिक डिज़ाइन, ईजी एंड कम्फर्टेबल टू वेयर, और यहाँ पे भी कुछ इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह वही जो सेम, 10 मीटर रेंज और प्ले म्यूज़िक, ये कुछ नया दिखा यहाँ पर। स्पोर्ट हैंड फ्री और ब्लैक एंड वाइट शायद ये कलर के बारे में दिखाया गया, और ये हैंड फ्री जो है वाइट कलर में है या ब्लैक कलर में नहीं है, ये वाइट कलर में है। तो अब मैं इसके बॉक्स को जो है जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। इसके बॉक्स को ओपन करने के बाद सब इस तरह की कोई प्लास्टिक की ट्रे में हमें हैंड फ्री रखी हुई देखने को मिल जाती है। ये वाइट कलर की हैंड फ्री इस पर रखी गई है, मैं इसे जल्दी से निकाल लेता हूँ। और हैंड फ्री की बिल्ड क्वालिटी तो सही लग रही है काफ़ी, अब इसे यूज़ करने के बाद मैं आपको बताऊँगा। और ये है इसका डेटा केबल, इसके साथ माइक्रो यूएसबी केबल दिया गया है इसे चार्ज करने के लिए। तो ये है मतलब इसे कोई चार्जर नहीं मिलता आपको, क्योंकि छोटी सी बैटरी होती है, तो आप इसे कहीं पे अपने मोबाइल पे उनके OTG से कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप पे लगा कर चार्ज कर सकते हैं, कहीं पे आप इसे डेटा केबल के तौर पर लगाएंगे और ये चार्ज हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसके साथ डेटा केबल दिया गया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डेटा केबल देंगे ये लोग, क्योंकि 300 के अंदर हैंड फ्री भी मिल रही है और उसके साथ चार्जिंग केबल भी मिलेगी। बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है हैंड फ्री की। यहाँ पे माइक्रो USB का पोर्ट दिया गया है जो कि इसे चार्ज करने में मदद करेगा। मैं एक दफ़ा लगा के देख लेता हूँ इसे, पोर्ट पे तो लग चुका है, देखते हैं चार्ज है कि नहीं है। इसमें मैं ऑन करता हूँ तो ब्लू और रेड कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो चार्ज तो है इस हैंड फ्री में। अब मैं इसे यूज़ करूँगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। हैंड फ्री के देख सकते हैं ये एयरफोन्स की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है देखने में, फुल प्लास्टिक बिल्ड है, मेटल बिल्ड तो नहीं मिलता आपको इस प्राइस रेंज में, मेटल बिल्ड आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है हैंड फ्री की। तो अब जो मैं आपको इसको यूज़ करने के बाद बताऊँगा, ये तो इसकी अनबॉक्सिंग थी और कुछ ओवरऑल लुक्स वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसे कनेक्ट कैसे करना है। आपको सबसे पहले अपनी हैंड फ्री को ऑन करना है, इस पर रेड और ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। अपने ब्लूटूथ सेटिंग्स पे जाना है और S6 मॉडल नंबर है इसका, आपको कनेक्ट करने के लिए S6 मॉडल नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ भी आ रहा है इन यूज़ कॉलिंग एंड प्लेइंग मीडिया, बैटरी लेवल भी दिखा रहा है कि हैंड फ्री की बैटरी लेवल 60% है, 60% बैटरी हैंड फ्री की, ये भी इस पर शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको मोबाइल पर कनेक्ट कर लिया है मोबाइल पर। अब S6 इसका मॉडल नंबर है, आप इसे S6 के नाम से आप बैटरी S6 के नाम से ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, आपका हैंड फ्री जो कनेक्ट हो जाएगा। और जब हैंड फ्री कनेक्ट हो जाएगी आपकी तो आपको यहाँ पर ब्लू लाइट ब्लिंक होगी, रेड लाइट अब ब्लिंक नहीं होगी। जब हैंड फ्री कनेक्ट हो जाएगी तो ब्लू लाइट ब्लिंक होगी, रेड वाली लाइट ब्लिंक नहीं होगी, तो ये आप पहचान सकते हैं कि हैंड फ्री कनेक्ट हो गई है आपकी। अब मैं आपको जो है इसका रिव्यू दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसकी फुल रिव्यू के बारे में बता देता हूँ। तो इसकी जो है बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, हैंड फ्री मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हैंड फ्री मेरे पास है, आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, लुक्स काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसका जो मेन रीज़न जिसकी वजह से आप इसे खरीदेंगे वो है इसके वायरलेस होना और इसकी साउंड क्वालिटी। वायरलेस तो है ये, इजीली कनेक्ट हो जाता है आपके किसी भी मोबाइल डिवाइसेस के साथ या ब्लूटूथ डिवाइस के साथ, किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ ये इजीली कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पे इसका मेन इशू है वो है इसकी साउंड क्वालिटी के साथ।
साउंड क्वालिटी इसकी बिल्कुल बेकार है, इसमें साउंड क्वालिटी आपको बिल्कुल भी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को नहीं मिलती, साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है इसकी। अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं फिर भी आपको इसकी साउंड क्वालिटी लो लगेगी, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी वॉल्यूम की लाउडनेस और वॉल्यूम की क्वालिटी कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने सोचा था कि 300 के अंदर ये बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, तो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो साउंड क्वालिटी जो है इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगी है, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम की लाउडनेस है और क्लैरिटी है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा आप ये हैंडफ्री बाय करें, और ना ही मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, क्योंकि ये हैंडफ्री आपको बाय नहीं करना है। इसके अलावा एक रेड और ब्लैक कलर में एक हैंडफ्री आती है, उसका लिंक दे दूंगा, वो मैंने यूज़ करा हुआ है, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। वो वाली हैंडफ्री आप बाय कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी है, इससे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन साउंड क्वालिटी इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे तो इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह डिज़ाइन वगैरह सही लग रहा था, लेकिन अब इसके साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो अब इसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं आपको नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप कोई सैमसंग की वायरलेस हैंडफ्री दराज डॉट पी के पे जो मिल रही है 500 के अंदर कोई भी सैमसंग की वायरलेस हैंडफ्री बाय करें दराज से, क्योंकि सारी फेक सैमसंग की वायरलेस हैंडफ्री है, सैमसंग की नहीं होती है, वो सैमसंग का नाम डाल के दे दिया है। ना आपको हैंडफ्री पे कहीं सैमसंग लिखा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि सैमसंग की हैंडफ्री होती तो आपको कहीं तो सैमसंग लिखा हुआ देखने को मिलता, इस पर कहीं भी सैमसंग नहीं लिखा हुआ है। तो मैं आपको नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप ये बाय करें। आप इसके अलावा दूसरे हैंडफ्री का मैं लिंक दे दूँगा, आप वो बाय कर सकते हैं, वो तो अच्छा है थोड़ा, इससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप वो बाय कर सकते हैं, इससे बिल्कुल बाय नहीं करें। बैटरी टाइमिंग का फ़ायदा नहीं है बता के, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देती है आपको इजीली। बॉक्स पे 3 आवर लिखा हुआ है, लेकिन आपको 2 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको इसमें मिल जाता है, लेकिन बैटरी बैकअप का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप ये हैंड फ्री यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको इस हैंड फ्री के बारे में बताया, इसकी अनबॉक्सिंग दिखाई, इसको कनेक्ट करने का तरीका बताया, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताया, इसकी बैटरी टाइमिंग के बारे में, इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बताया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।